तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ। और देखो, मैं युगों के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। पिछले 40 दिनों में एक उद्देश्य था कि हम मिशनरी लोगों की कहानियां सुने, और उस विषय पर पास्टर अरविंद हमसे कुछ बात करेंगे और मैं अनुवाद करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि अपना मन, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी अपना मन बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि प्रभु का दास हमारे बीच में है और कुछ प्रभु कहना चाहता है हमें। ये 40 दिन का सफ़र जो कल ख़त्म हुआ, 40 कहानियां सुन ली, आगे क्या है, प्रभु क्या कहना चाहता है हमें, आइए हम प्रभु की आवाज़ को सुने सबसे पहले। तो This is a very, very happy day in the life of our church. हमारी कलीसिया के जीवन में ये बहुत खुशी का दिन है। Of course, it's Easter Sunday. It's the anniversary of Yeshu Naam Satsang. ये पुनरुत्थान दिवस है और सत्संग की 10वीं सालगिरह भी है। But we're especially happy that today is a day that we're commissioning Pastor Sonu and his family to go as missionaries. ये दिन लेकिन बड़ा खास है कि आज हम पास्टर सोनू और उनके परिवार को मिशनरी के तौर पे कमीशन कर रहे हैं। You know, our cluster has existed for 21 years now. DBF गुड़गांव जो कलीसियाओं का समूह है, ये 21 साल पुराना है। And this is the first time that we are sending out a missionary from our cluster into Haryana, into North India. लेकिन 21 सालों में पहली बार हम गुड़गांव कलीसियाओं के समूह से, DBF गुड़गांव कलीसियाओं के समूह से, हम किसी को हरियाणा भिवानी में पहली बार हमारी कलीसिया से एक मिशनरी को भेज रहे हैं। And I've been a pastor in this church for 14 years now. From the beginning, our vision was always for North India, not just Gurgaon, but all of North India. 14 साल से यहाँ पर मैं पास्टर हूँ और 14 साल से ही हमारा दर्शन रहा है उत्तर भारत के लिए, हम प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं। That our church would be a church that trains up people and sends them out into other parts of North India that need to hear about Jesus. कि हमारी कलीसिया ऐसे अगुओं को ट्रेन करे और उन्हें भेजे ऐसे लोगों के बीच में जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना है, जानना है। And this is the day finally when God has given us our first missionary. और अंत में यह दिन आ गया है कि हम अपना पहला मिशनरी आज भेजने वाले हैं। And so this is a huge occasion for not just for Yeshu Naam Satsang but for all of us, not even in DBF Gurgaon cluster but in all of DBF. ये सिर्फ यीशु नाम सत्संग के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण दिल्ली बाइबल फेलोशिप के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। And so we're so thankful to God for Sonu and Subani. इसलिए हम सोनू और सुबानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी को। We're so proud of both of you and for this beautiful family that God gave to us. हमें गर्व है इस बहुत अच्छे परिवार के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। And we're not just sending them and kind of leaving them on their own. Really strongly feel that Sonu, Subani are our first missionaries, but they're not, God willing, our last missionaries. मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सोनू सुबानी हमारे पहले मिशनरी हैं, लेकिन हमारे आखिरी मिशनरी नहीं होंगे। And we're praying that there will be the first of many, many people that God would raise up from our church. और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारे चर्च में से, उनसे शुरुआत होकर उसके बाद बहुत सारे मिशनरी हम खड़े कर पाएंगे। You know, Jesus said the harvest is plentiful. यीशु मसीह ने कहा कि फसल जो है वो पक चुकी है, तैयार है। But the laborers are few. लेकिन उसको काटने वाले मजदूर कम हैं। And God, Jesus said, pray that more laborers would go out into the harvest field.
और यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि और ज्यादा मजदूर फसल काटने के लिए निकल पड़े. And so we'll pray for many, many more Sonu and Sonus and Subanis to go out into North India as his laborers. इसलिए हम बहुत सारे ऐसे पास्टर सोनू, बहुत सारी ऐसी सुबानी बहनों को हम भेजने की आशा रखते हैं. And I'm so happy that as a church, Yeshu Naam Satsang has been praying so faithfully for these, especially for these last 40 days. और मैं बहुत खुश हूँ कि यीशु नाम सत्संग बहुत ईमानदारी से पिछले 40 दिन इस मिशन के कार्य के लिए दुआ कर रहा था. And I hope that we'll continue to pray that God would raise up more and more laborers for His harvest. और हम प्रार्थना करते रहेंगे कि बहुत सारे सेवकों को और भी हम खड़े कर सकें. And let's pray that if God would raise us up, ourselves, to go out. और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें खुद तैयार करे कि हम जा सकें मिशनरी के तौर पे. And so let's I'm just going to read this passage again, the great commission, Matthew chapter 28. मैं एक बार फिर से ये जो महान आदेश का जो खंड है मैं इसको पढ़ूंगा. It says Matthew chapter 8 28 starting in verse 18. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I've commanded you. And surely, I'm with you always to the very end of the age." इस वचन को फिर से पढ़ेंगे. तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युगों के अंत तक तुम्हारे साथ हूं. थैंक यू. नए नए मैदानों में जाना है, यीशु जी का नाम फैलाना है. गाइए. नए नए मैदानों में जाना है, यीशु जी का नाम फैलाना है. लहलहाते खेत हैं, पक गई फसल, काट कर गोदामों में लाना है. लहलहाते खेत हैं, पक गई फसल, काट कर गोदामों में लाना है. नए नए मैदानों में जाना है, यीशु जी का नाम फैलाना है. नए नए मैदानों में जाना है, यीशु जी का नाम फैलाना है. अभी हम प्रार्थना करेंगे. आई वॉन्ट कि पास्टर सोनू इधर आ जाए सबसे पहले, और सुबानी बहन को जितनी बहनें हैं वो सब कवर कर लेंगी, और भैया स्वप्निल और प्रशांत भैया इधर आ जाएंगे, और हम पास्टर सोनू के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें. All right, let's pray. Father God, we thank you, we praise you, we give you glory and honor for this beautiful moment, Lord, that is the answer of years of prayers of hundreds of people, Lord, that Brother Sonu, Sister Subani are going, Lord, to the mission field. Lord, this great mission field of North India and Haryana and Bhiwani, Lord, to do your work as laborers in your vineyard, Lord, to reap a harvest for your glory, for your name's sake, for the salvation of many, for a harvest of souls, Lord. And Father God, as we participate in this moment, Lord, we thank you, we praise you, we give you glory and honor. Lord, we pray your hand of blessing on them. We pray for strength. Lord, we pray for power. Lord, we pray for wisdom. Yes, Lord, we pray for Lord, endurance. Yes, Lord, Lord, we pray Jesus, for your perseverance. Jesus, yes, Lord, Jesus. Lord, we pray for protection. Lord, we pray for boldness. Lord, we pray for provision for them. Lord, we pray that doors would be opened. Yes, Lord. Lord, that they would be able to walk in it. Lord, we pray starting this week itself, Lord, that yes, Lord, there would be yes, amazing Jesus opportunities
Lord, that you would soften hearts, that you would go before them, Lord, that you would prepare people for them to minister to. Lord, we pray that you would begin to speak into people's hearts in that area, Lord, that as they speak your gospel, as they proclaim the name of Jesus in that place, Lord, that people would come, and that people would come, that people would come in great numbers, Lord, that people would come hungry. Yes, Lord. Lord, that yes, people Lord. Would, people's lives would be changed, that families would be changed, that this would be the beginning of a movement in that area. Lord, that not just one church, but many churches would be planted, Lord, and that people would be raised up from those, from that place, Lord, to go to other parts of Haryana and yes, North Lord. India, Lord. Yes, we pray, Lord, your special anointing on Pastor Sonu and on Sister Subani, Lord, as they do your work, Lord. Give them much grace, Lord. Make them like the Apostle Paul. Yes, Lord. Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. To spread your kingdom, to spread your gospel, Lord. To glorify your name, Lord. And even as they face hardships, no doubt, as they face discouragements, no doubt, Lord, as they face all kinds of challenges, no doubt, Lord, I pray that you would be with them, Lord, that they would stand firm, that they would be unmovable, Lord, that they would give themselves for your work, knowing that that the labor that they do for you is never going to be in vain. We commit them into your hands, and we thank you for them. In Jesus' name, amen. हमारे अति महान अति पवित्र दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम पास्टर सोनू और उनके परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप अद्भुत काम करने वाले अद्भुत परमेश्वर हैं, और प्रभु जी, आपने अद्भुत रीति से पास्टर सोनू को आपके परिवार में आप लेकर आए। प्रभु जी, आपने अद्भुत रीति से उनको मूर्ति पूजा से और नशे की आदत से, अंधकार में से प्रभु जी निकाल कर आपकी ज्योति में आप लेकर आए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, आपने उनके लिए आगे का रास्ता खोला, आपने उन्हें बुलाया, प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, उनके उस ओबीडियंस के लिए, उनके आज्ञा पालन के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसको सुनकर प्रभु जी, जिनकी अपनी बुलाहट को सुनकर प्रभु जी उन्होंने अपने जीवन को आपको समर्पित कर दिया। प्रभु जी, जैसा हमने पढ़ा प्रभु जी, कि आपने हमें बुलाया है कि हम दूसरों को चेले बनाएं और दूसरों को प्रभु जी आपके बारे में बताएं, क्योंकि प्रभु जी, आपने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने आप को, अपने बेटे को प्रभु जी हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और प्रभु जी, आप संसार के सारे लोगों से प्रेम करने वाले प्रेमी पिता परमेश्वर हैं, और प्रभु जी, इस बात को बहुत सारे लोग अभी भी जानते नहीं हैं। और प्रभु जी, आपकी हमारे लिए यही सबसे महान आज्ञा है प्रभु जी, और महान आदेश है प्रभु जी, कि आपके उस प्रेम को हम सब जगह फैला सकें। और प्रभु जी, आपके महान आदेश को गंभीरता से लेकर पास्टर सोनू जब आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, हम उनको आपके हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अभी से आप भिवानी शहर के लोगों के दिलों में आप काम कीजिए। आपका वचन कहता है प्रभु जी, की फसल तैयार है, और प्रभु जी, वहाँ की फसल काटने के लिए आप पास्टर सोनू को बहुत आयत से इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, जब वो आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता कीजिए। लोगों के मनों को प्रभु जी अभी से तैयार कीजिए, क्योंकि जब आपके वचन का बीज उनके दिलों में डालेंगे प्रभु जी, वहाँ पर 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल आने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, वहाँ पे आपका राज्य बढ़ने पाए, आपकी नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार प्रभु जी अंधकार से आपकी ज्योति में आने वाले हो सके। अंधश्रद्धा को छोड़कर प्रभु जी, मूर्ति पूजा को छोड़कर पास्टर सोनू के द्वारा प्रभु जी आपको जानने वाले हो सके, आपके प्रेम को जानने वाले हो सके, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, की उद्धार के निमित्त आपका सुसमाचार आपकी सामर्थ्य है प्रभु जी। और वहाँ पर जाकर प्रभु जी आपके सुसमाचार को फैलाने में प्रभु जी, आप उन सब के लिए रास्ते खोलिए, अच्छे लोग प्रभु जी उनके रास्ते में आप लेकर आइए, अच्छे कॉन्टैक्ट्स लेकर आइए पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जिनके द्वारा पास्टर सोनू आपके सुसमाचार को वहाँ पर फैलाने वाले हो सके। प्रभु जी, हम जानते हैं जब वो इस आत्मिक युद्ध में फ्रंट पर जाते हैं प्रभु जी, और जहाँ पे लड़ाई तेज होगी प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए। हम उनके आत्मिक रक्षा के लिए, आत्मिक सुरक्षा के लिए प्रभु जी आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका प्रेम और आपका, आपकी सामर्थ प्रभु जी हमेशा उनके साथ बनी रहे, आपकी महान आज्ञा प्रभु जी हमेशा उनसे, उनके जीवन का उद्देश्य होने पाए। अपने सारे हृदय से, अपने सारे मन से, प्राण से, शक्ति से, बुद्धि से प्रभु जी वो आपको प्रेम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सेवकाई कभी भी उनका काम ना बने, लेकिन प्रभु जी आपसे प्रेम के द्वारा प्रभु जी वो उमड़ने वाली हो सके। और प्रभु जी, आपके प्रेम में आप उन्हें बढ़ने के लिए उनकी सहायता कीजिए। आपको जानना, आपके प्रेम में बढ़ना प्रभु जी उनके जीवन का उद्देश्य होने पाए। प्रभु जी, हम उनकी इमोशनल हेल्थ और उनके मेंटल हेल्थ के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, शैतान के हर
अटैक से और निराशा से प्रभु जी, डिस्करेजमेंट से प्रभु जी आप उन्हें बचा के रखिए। प्रभु जी यहाँ पे हम सब लोग साथ में हैं, लेकिन प्रभु जी शायद वो वहाँ पर उधर अकेले महसूस करेंगे। प्रभु जी वहाँ तब उस समय प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमेशा प्रभु जी आप उनकी उंगली पकड़ के उन्हें चलाइए, और शैतान के हर बुरे चाल से बचने के लिए प्रभु जी आप उन सब की सहायता कीजिए। प्रभु जी वहाँ पे जब वो सुसमाचार का प्रचार करते प्रभु जी, शैतान की हर बुरी चाल से और हर सताव से प्रभु जी आप उन्हें बचा के रखिए। सताव के समय जब उन पे सताव आएगा प्रभु जी, वो अपने विश्वास से कमजोर न होने पाए प्रभु जी, लेकिन अपनी नजर प्रभु जी अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर और उसके क्रूस की ओर लगाकर आगे बढ़ने वाले हो सके, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इस परिवार को आप भिवानी में और उस एरिया में प्रभु जी एक बड़ी ज्योति और एक नमक बनाइए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले हो सके और आपके राज्य में आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके पारिवारिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका हाथ प्रभु जी इस परिवार पे हमेशा रहे, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद प्रभु जी इस परिवार में हमेशा रहे प्रभु। प्रभु जी सुबानी बहन जब महिलाओं में और बच्चों में सेवकाई करती है पिता परमेश्वर, उनके द्वारा भी प्रभु जी बहुत सारी महिलाएं प्रभु जी आपको जानने वाली हो सके, और प्रभु जी उनके द्वारा लोगों के जीवनों में आपकी ज्योति को आप चमकाइए प्रभु जी। आशीष बेटी के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, ये बच्चा आपके ज्ञान और भय में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, जो अपने माता पिता को देखता है प्रभु जी, वो बचपन में ही प्रभु जी आपको और आपके आपके प्रेम को देखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये परिवार आप भिवानी में एक आपकी कलीसिया और आपके प्रेम को दर्शाने वाले एक अच्छा परिवार बनने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। इस परिवार की सारी जरूरतों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी आप सहायता करके इनकी सारी कमी घटियों को पूरा कीजिए, और इनका सारा ध्यान प्रभु जी आपकी ओर आपकी क्रूस की ओर लगाकर अपने जीवन के उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी इनकी सहायता कीजिए। फिर एक बार प्रभु जी इस सारे परिवार को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। जब उधर फसल काटते हैं प्रभु जी, उसके द्वारा उनको हर घमंड से आप बचा के रखिए पिता परमेश्वर, हमेशा उन्हें नम्र और दीन रखे प्रभु जी, और आपके क्रूस के पीछे प्रभु जी उन्हें छुपा के रखिए, क्योंकि प्रभु जी सारा अधिकार आपका है। जैसे हमने अभी भी पढ़ा प्रभु जी, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार आपका है, और प्रभु जी आपके अधिकार के नीचे हमेशा अपने आप को रखकर अपनी सेवकाई में आगे बढ़ने वाले हो सके, इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके जीवन में और इनके जीवन के द्वारा आपके नाम की मर्जी पूरी होने पाए प्रभु जी, आपका नाम बढ़े प्रभु जी और आपका राज्य बढ़े, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी इस परिवार को प्रभु जी हम आपके नाम से आशीष देते हैं प्रभु जी, आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। महान सामर्थी परमेश्वर, हमारी जिंदगियों के चलाने वाले प्रभु जी, हमें चुनने वाले प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार हो। प्रभु हमारी जिंदगी का हर एक दिन तेरी पुस्तक में लिखा है, तूने किस दिन हमें चुना प्रभु जी ये तेरी योजना है, और तूने किस दिन सेवा के लिए बुलाया ये तेरी योजना है। और प्रभु सोनू भाई के जीवन में प्रभु जी हम जानते हैं आज का वो दिन ठहराया गया था प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, आज का वो दिन था प्रभु जब आप उन्हें अपनी सेवा के लिए एक मिशनरी के तौर पर बुला रहे हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु उनके परिवर्तन के लिए, धन्यवाद उनके विश्वास के लिए, धन्यवाद उनकी बुलाहट के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जब तेरा दास यहाँ से निकलता है प्रभु, अपने पत्नी अपने बच्चे के साथ जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं परमेश्वर, प्रभु आप इनके आगे आगे चले, हम दुआ करते हैं प्रभु आप इनके लिए वहाँ स्थान तैयार करें प्रभु जी, आप इनके लिए प्रभु जी वहाँ सेवा का माहौल, पवित्र आत्मा आप तैयार कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, जिस उद्देश्य से आपने बुलाया है उसकी पूर्ति कर पाए प्रभु जी, उसमें आज्ञा मान सके परमेश्वर, आज्ञाकारिता में चल सके प्रभु जी, होने दे ये पूरा परिवार पवित्रता धार्मिकता में चलने पाए, सुसमाचार में अपनी पहचान को पाकर हर रोज आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए प्रभु तू इनकी सहायता कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर हो सकता है इनको बहुत सालों का इंतजार करना पड़े फल काटने के लिए परमेश्वर प्रभु, लेकिन आप धीरज धरना पिता परमेश्वर, और यदि आपको भाए प्रभु जी तो प्रभु जी बहुत जल्द बहुत सारी फसल को काटने वाले बन सके परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा फसल तैयार है प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा फसल तैयार है प्रभु जी, ये आपका वचन है प्रभु जी की फसल तैयार है प्रभु जी, होने दे फसल को काट सके, बटोर सके पिता परमेश्वर, लोगों को प्रभु जी स्वर्ग राज के रास्ता का दिखा सके प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, बहुत से लोग सच्चाई को जान सके वहां पर इनके शब्दों के द्वारा, इनके इनके कामों के द्वारा प्रभु, इनके प्रेम के द्वारा वहां अंधकार में पड़े लोग प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को ग्रहण करने पाए, हम ये प्रार्थना करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर तू बहुत सारी बुद्धि से भर दे प्रभु जी, तूने जिस प्रकार सुलेमान को बुद्धि दी प्रभु जी, उससे भी बढ़कर आसमानी बुद्धि
प्रभु जी तू अपने अपने दास को दे, हम दुआ करते हैं परमेश्वर हर रोज का दिन प्रभु समय किस प्रकार बिताना है, किससे बात करनी है और क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, हर एक चीज में कदम कदम पर रास्ता दिखाने वाला प्रभु तू है। प्यारे खुदावंद हम तेरी ओर देखते हैं राजा। प्रभु जी हम जैसे आज यहाँ पे प्रभु इनको तेरे नाम से अभिषेक देकर जब इनको तेरी सेवा के लिए हम कमीशन करते हैं परमेश्वर, हम पूरी तरह से इनको तेरे हवाले कर देते हैं, हम तुझे सौंप देते हैं प्रभु जी। आप इस परिवार की अगुवाई करें, साथ ही साथ प्रभु इनकी निगेबानी करें प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु शैतान की दुष्ट शक्तियां जो इनके विरुद्ध कार्य करेंगी प्रभु जी, हम उनके विरुद्ध यीशु मसीह के नाम से हम विफलता की घोषणा करते हैं परमेश्वर। शैतान की कोई चाल इन पे प्रबल ना होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी शैतान की कोई चाल प्रभु जी प्रभु इनके डेरे के कट ना आने पाए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर आप इनको संभालें, आप इनको आत्मिक बुद्धि दें, आप इनको वचन में मजबूत बनाएं, आप इनको पवित्र आत्मा की भरपूरी दें प्रभु जी, वरदानों से लबालब करें हम दुआ करते हैं प्रभु जी। आप इनके अंदर आत्मा के फलों की बरसात करें प्रभु जी, प्रेम और आनंद और शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास प्रभु जी, विश्वास योग्यता, संयम, सब कुछ इनके अंदर आने पाए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हम लगातार इनके लिए दुआ करते रहें और प्रभु जी हमें भिवानी से प्रभु जी बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलने पाए। हालेलुया, हम ये प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर यीशु राजा। पूरी तरह से इस नौजवान को और इनके पूरे परिवार को हम तेरे हवाले करते हैं। तू प्रभु जी रास्ता दिखा, तू पवित्र आत्मा इनको बताना प्रभु जी कहां जाएं, कहां ना जाएं, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी प्रभु जी, ये हर एक चीज की बुद्धि आप इनको देना प्रभु जी। जब ये वहां जाते हैं प्रभु जी, इन्हें बहुत सारे नए नए अच्छे लोग मित्र के रूप में मिले प्रभु जी, जो इनकी इनकी मदद करें, जो इनके लिए खड़े हो जाएं, ऐसे लोग आप इनको वहां पे देना परमेश्वर। हम प्रभु जी अपनी आत्मा की आंखों से देखते हैं प्रभु जी, एक अच्छी सुंदर कलीसिया वहां पे चलती हुई हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हम देखना चाहते हैं प्रभु जी एक सुंदर भवन जहां तेरे नाम की महिमा हो रही है प्रभु जी, जहां गीत भजन गाए जा रहे हैं प्रभु जी। हम ऐसी कलीसिया को अपने विश्वास की आंखों से देखते हैं प्रभु जी के सोनू भाई वहां से और आगे मिशनरियों को भेजने वाले बन जाएंगे प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद, उत्तर भारत तेरे नाम की महिमा और गौरव से भर जाएगा यीशु राजा। प्रभु जी आज तेरे भवन में हालेलुया प्रभु जी हम तेरे दास को तेरी सेवा के लिए समर्पित करते हैं प्रभु जी। तू इन्हें इस्तेमाल कर प्रभु, हमने इनको तेरे काम के लिए दे दिया है प्रभु जी, तू इनको इस्तेमाल करना प्रभु जी, इनका सारा जीवन तेरी सेवा में बिताने पाए प्रभु जी और विश्वासियों के दास ठहरने पाए प्रभु प्रभु, ताकि जब तेरे सामने खड़े हो तो तू इसे कहे शाबाश विश्वासियों के सेवक। हालेलुया, आ और अपने इनाम को पाले प्यारे परमेश्वर, आप इनके साथ हो। और हम ये भी विश्वास करते हैं प्रभु जी कि सोनू भाई को जब हमने भेजा है, आप पीछे से बहुतों को तैयार करेंगे राजा। हालेलुया प्रभु, अगला मिशनरी भेजने के लिए हमें 10 साल इंतजार नहीं करना है पिता परमेश्वर, हम जल्दी दूसरा भेजना चाहते हैं प्रभु, और हम जल्दी तीसरा भेजना चाहते हैं, हम चौथा पांचवा भेजना चाहते हैं प्रभु, कि प्रभु जी तेरे राज्य में सेवकों की कोई कमी ना हो प्रभु जी, मजदूरों की कोई कमी ना हो प्रभु जी। तू ऐसा सौभाग्य दे, तू हमारी मदद कर, तू हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर आसमानी बरकतें खोल दे प्रभु जी, आसमानी बरकतें उंढेल दे पिता परमेश्वर।